अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 17 है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ फ्रिक्शन लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ इट्स एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज, कह रहे हैं जो फ्रिक्शन लेस हीट इंजन है कैन बी 100% एफिशिएंट, कह रहे हैं कि वो 100% एफिशिएंट होगा ओनली इफ इट्स एग्जॉस्ट टेम्परेचर, कह रहे हैं जो उसका टेम्परेचर है वो कितना होगा, कि वो कितना होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन लेस हीट इंजन है वो जो उसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो उसके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हमें चाहिए होता है 0 केल्विन। ठीक है, सेकेंड है, अ रेफ्रिजरेटर विद इट्स डोर ओपन द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल, कह रहे हैं अगर हम रेफ्रिजरेटर जो है उसका हम जो डोर है उसे ओपन कर दें तो जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, विच डिवाइस इज नॉट यूज इन डीजल इंजन, कह रहे कौन सी डिवाइस जो डीजल इंजन में यूज नहीं होती, वो हमारे पास है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो है हम डीजल इंजन में यूज नहीं करते। ठीक है, नंबर फोर हमारे पास है, नंबर फोर हमसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो इन चारों में हमारे पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो हमारे पास है अ केमिकल एक्सप्लोजन। ठीक है, जब हमारे पास जो केमिकल है उसे हम एक्सप्लोजन की जाती है केमिकल को, तो फिर दोबारा वो अपनी असली हालत में वापस आना उसका पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नंबर फाइव है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज, कह रहे हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसके मुताबिक जो हमारे पास हीट है उसे हम वर्क में चेंज कर सकते हैं 100%, कह रहे हैं ऐसा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि हम 100% हीट को वर्क में चेंज कर दें ये पॉसिबल नहीं है। नंबर सिक्स है, द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय, हमसे कह रहे हैं जो एंट्रोपी है उसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, उसकी हमारे पास इक्वेशन होती है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, नंबर सेवन हमारे पास है, द नेट चेंज इन एंट्रोपी एज अ सिस्टम इन द नेचुरल प्रोसेस इज, हमारे पास जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होता है एज अ सिस्टम इन नेचुरल प्रोसेस में होगा सिस्टम, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमारे पास जो नेट चेंज है एंट्रोपी में वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। नंबर एट है, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, जो डीजल इंजन की हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो ग्रेटर देन होती है पेट्रोल इंजन से। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसकी हमारे पास डेफिनेशन यही है कि हीट फ्लोस फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। और लास्ट नंबर टेन है हमारे पास, द प्रोसेस वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस वर्डिंग चेंज है। तो ये इसमें हमारे पास क्या होगा, हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सेकेंड लॉ में जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास ये होता है कि हीट फ्लो होती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। तो उम्मीद करें आपको समझ आ गए होंगे एमसीक्यूज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।